भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने संगीत के सफर के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत, चाहे वोकल संगीत है, चाहे तंत्र संगीत है, यानी कि चाहे गाना है चाहे बजाना है, इसका सफर कैसे शुरू होता है। एक मनुष्य, एक इंसान, एक जीवात्मा किस तरह से अपने संगीत का सफर शुरू करती है। भारतीय संगीत में क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि क्लासिकल संगीत या शास्त्रीय संगीत भी कह सकते हैं, इसका बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन काल से जब राजा महाराजाओं का शासन होता था, उनका राज तंत्र चलता था, तो उनके दरबार में संगीतकार उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। अब देखना यह है कि राजा महाराजा अपनी इच्छा के अनुसार या अपने ज्ञान के अनुसार या अपने आसपास के बुद्धिजीवी जो उनके साथ थे, वो संगीतकारों का चयन करते थे, चुनते थे। उनकी परीक्षा बड़ी कठिन होती थी, यहाँ तक के सर धड़ से अलग किया जाता था इस केस में कि उनके अनुसार जो संगीतकार है वो पूर्णतः सफल नहीं है। ये प्राचीन कथाओं में या वृत्तांत में ऐसा सुनने को आया है कि जब कोई संगीतकार राजा के अनुसार या उसके शासक के अनुसार पूरा नहीं उतरता था, यानी कि उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता था, तो उसके आगे शर्त रखी जाती थी कि अगर ऐसा तुमने नहीं किया, दीपक नहीं जलाए या बारिश नहीं बरसाई या कुछ कृष्यमा नहीं करके बताया, तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐसा ही संगीतकार तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास जी वगैरह वगैरह, ये उन जमाने के बड़े धनुर्धर संगीतकार थे। तानसेन के बारे में तो ऐसे सुनने का है कि दीपक राग जलाने के उनको बंद किया गया, यानी कि गाने से दीपक राग जलाना, तो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये तो कहना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे या वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे कि ऐसे ही कहानियां बना दें, ऐसे ही कथाएं बना दें। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं, बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो कि इस चीज़ों को दर्शाती हैं। जैसे खब्बे हुसैन और कदो महाराज का भी वृत्तांत आता है। आपस में 19 दिन तक कंपटीशन चलता रहा, यानी कि प्रतियोगिता चलती रही, उनमें से कोई नहीं हारा और कोई नहीं जीता। कहते हैं कि कदव महाराज जो थे वो सरस्वती के उपासक थे, उन्होंने स्वप्न में माँ सरस्वती से प्रार्थना की, हे माँ मेरी लाज रख, मैं तो तेरा भक्त हूँ। तो ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने कहा, ठीक है तू मृदंग बजाते बजाते हवा में उछालना उसको, और एक धा ऊपर लगाना एक धा नीचे लगाना, बीच में धा मैं लगा दूंगी। तो अब कंपटीशन शुरू हो गया। अब कंपटीशन शुरू हो गया तो बस बजाते बजाते उन्होंने क्या किया, धा धा बीच में धा माता सरस्वती लगाया, और इतने में जो खब्बे हुसैन थे
वो तो उपासनी थे बेचारे, उन्होंने मृदंग छोड़ दी। कहा महाराज ये गैबी कोई यानी कि रूहानी चमत्कार है, ये इंसान का रियाज का अभ्यास नहीं है। लेकिन दरबारियों ने खूब ताले तूड़ी पीटी और उनको अंगुलियों कटवानी पड़ी, खास की उंगली कटवाने की शर्त थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने बाएं हाथ से यानी कि बाएं हाथ से ढोल का आगाज शुरू किया, वहां से उनका नाम खब्बे हसन पड़ा। तो खैर ये तो जिद्दबाजी की बातें हैं, इसमें तो ज़्यादा कह नहीं सकते। हाँ हमारा जो घराने का इतिहास है यानी कि परंपरा से चलते हुए पुराने संगीतकारों से उनकी जो वंश परंपरा है यानी कि एक उत्साह से दूसरे उत्साह यानी कि उसके जो बेटा है या बेटी है या कोई भी उसके घर का वंशज है उनको उन्होंने तालीम दिया। हाँ एक बात तो बड़ी सही है कि घर में उस्ताद हैं और बेटा भी, हाँ अगर मेहनती है तो सोने पर सुहागा, तो आगे उसकी परंपरा चलती है। अब आज़ादी के बाद जैसे ही मुगलों का राज खत्म हुआ, राजे महाराजे चले गए, अब संगीतकारों की ये परंपरा जो उनके शिष्य थे जो उनके यानी के वंशज थे जो उनके पुत्र थे उन्होंने तो आगे इसको चलाया घराने। और घराने में सीखना तो ऐसे है कि जैसे कुछ भी छुपाया ना जाए, पूरा खुल के सिखाया जाए। अब घराने की तालीम और ऐसे आम तालीम में फर्क कैसे हुआ? एक घराने के वंशज जो हैं वो खूब मेहनत करके रियाज करके यानी कि दिन रात एक करके तो उन्होंने अपना काम सिद्ध कर लिया। वो अपने पिता की पूंजी की बदौलत वो खूब नाम कमाया उन्होंने, क्योंकि उनका नाम पहले ही था, उनकी दुकानदारी चल रही थी। इस तरह से उन्होंने आगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। कुछ लोग उनके पास सीखते हुए जो शिक्षित परंपरा थी उनकी, उनमें से उनको इतना सम्मान नहीं मिला। वो साधारण तौर पर आम संगीतकार रहे, कुछ विद्यालय खोल लिए किसी के उन्होंने, क्यों उनके निजी संगीत विद्यालय खोल लिए तो उनको चलाने हुए अपने। हाँ एक बड़ा मसला है कि हम जब कोई भी काम सीखते हैं तो उसका तो सबसे आवश्यक उपयोग है रोजी रोटी के लिए। भाई रोजी रोटी तो जरूरी है, वो तो चलना चाहिए। पहले तो राजा महाराजे कलाकारों का सम्मान करते थे, उनका उनकी परख में उतरने के बाद वो उनको ना तो खाने पीने की ना तो गुजारे की कोई समस्या रहती थी। अब जैसे ही हम आज़ाद हुए हैं उसके बाद हमारी सरकार जो है जो भी है ये भी प्रयत्न कर रही है, लेकिन अब सबको नहीं मतलब है, संभाल सकना बड़ा मुश्किल है। अब संभाल सकने में एक प्रॉब्लम आती ये है कि एक तो नामी गिरामी कलाकार हैं, वो तो स्टेज पर बजाते हैं, उनको श्रोतागण सुनते हैं, उनकी फीस भी होती है, उनका सब कुछ अच्छा चलता है। हाँ उसके बाद जब ऐसे लोग जो घरानों में नहीं जा सकते, घरानों के पास तालीम नहीं हासिल कर सकते, तो उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि वो विद्यालयों में या निजी संगीत केंद्रों में जाकर संगीत की शिक्षा हासिल करें। और उसमें भी बड़ा एक हिसाब है कि अब उनको संगीत शिक्षा पूरी करने के बाद कौन उनको ग्रहण करेगा, कौन उनकी रोजी रोटी का साधन बढ़ाएगा। इसलिए क्या किया सरकार ने, स्कूलों में कॉलेजों में इसके लिए खुले कर दिए कि जो भी बच्चा या जो भी
यानी कि संगीत प्रेमी है वो सीखे और एक कोर्स के अनुसार डिग्री डिप्लोमा हासिल करे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे जो संगीत बजाते थे वो खुलने शुरू हो गए, अब हर कोई वहाँ सीखने लगा इस इच्छा से कि हाँ खैर मैं भी एक बड़ा कलाकार बन जाऊँ। अब कलाकार बनने के वास्ते रियाज तो बहुत ज़रूरी है और वो भी सही तरीके से। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उन्होंने कोर्स पूरा किया तो उन्होंने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने लिख के दे दिया, हाँ भाई ये मतलब इसके काबिल है, इसको फलाने फलाने जगह। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, कलाकार निकलने लगे, तो शर्तें भी बढ़ने लगी। अब शर्तों में क्या भाई, कोर्स भी तो होना चाहिए, संगीत के साथ शास्त्र भी तो उसका ज़रूरी है। यानी कि पहले तो होते थे कलाकार अनपढ़ है, चलो घराने में अपने बाप के साथ या उनके जो नामी ग्रामी उस्ताद हैं उनसे सीखा हुआ है, चलो राजा के दरबार में बैठ के बजाया, उनको खुश किया, उनके दरबारियों को खुश किया और बस चलो हमारे चले। अब तो इसमें है कि जब एक संगीतकार सीखने लगा तो सिखाने भी लगा, अब उसके आगे जो शिष्य परंपरा निकलने लगी है, यानी कि एक उस्ताद है उसके चार शागिर्द हैं, पांच शागिर्द हैं, अब ये उनका कैसे इंतजाम किया जाए। तो सरकार ने भी सोचा भाई चलो ठीक है ऐसा होना चाहिए कि चलो कॉलेजों में स्कूलों में कोर्स खोल दिया जाए, तो ताकि इनका भी चलो हिसाब उसाब चलता है और आगे जन। और उसमें बात तो अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि संगीत विद्यालयों में या संगीत कॉलेजों में स्कूलों में एक कमी थोड़ी रह गई, वो क्या कि प्रैक्टिकल की कमी रह गई। जो प्रैक्टिकल में जितना रियाज होना चाहिए वो तो यानी कि गैब ही हो गया। अब कोर्स पूरा करना है भाई, हाँ डिप्लोमे का कोर्स पूरा करना है, उसके लिए 70 राग हैं, 35 राग हैं, 30 राग हैं वगैरह वगैरह, उसको भी करना है। अब कोर्स के साथ प्रैक्टिकल का करना बड़ा मुश्किल है, वही कर सकता है जो दिन रात एक करे। वही राग भी बजाने हैं, शास्त्र भी पूरा करना है, थ्योरी भी देखनी है, प्रैक्टिकल भी देखना है। अब ऐसे कुछ होशियार लोगों ने क्या किया, अच्छा भाई ठीक है कोर्स तो मतलब पूरा हो जाएगा, अब इसमें कि एक आध चलो एक दो बंदिश बजा दी, एक दो मतलब कर दी और एग्जामिनर को खुश कर दिया, चलो भाई इसको दे दो अच्छे नंबर दे दो। अब क्या उसके बाद वही जो पास किया हुआ स्टूडेंट है वो जब कॉलेज में अपॉइंटमेंट होता है, नौकरी लगती है, तो उसमें क्या होता है उसका प्रैक्टिकल बड़ा कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को अपना साय मिलाना भी नहीं आता। खैर वो आगे पीछे झांकते हैं तो ऐसे चीज़ों का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं भाई, जो कुछ जानते हैं या जो गुमनाम लोग हैं। खैर इसमें क्या कह सकता हूँ, ये बड़ा पेचीदा मसला है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल जो है वो रियाज जो है वो सही ढंग से हो और शास्त्र भी साथ साथ चले, दोनों का चलना तो मतलब है ठीक है, उसके लिए बड़ी कठिन मेहनत है। अब मेहनत से भागने वाले लोगों ने ये किया कि चलो जैन के नुपान जैसे कैसे ऐसा, अब कई लोगों ने प्रैक्टिकल छोड़ दिया, अब थ्योरी में लगे करने। अब थ्योरी में क्या अभी क्या है, एम ए कर ली, उसके बाद PhD कर ली, उसके बाद एम फिल वगैरह वगैरह ये कोर्स हैं हो गए, और उन मतलब है कि डिग्री के बेस पर आप अच्छी नौकरी प्राप्त करने के काबिल बन के। लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में फिर वही ढीला, अब ऐसे लोग ना तो कहीं बजा सकते हैं ना ही कहीं सही ढंग से कर सकते हैं। अब सही गाना बजाना क्या है, इतना है कि आपने अच्छे अच्छे कलाकारों को सुना है, वो सिर्फ लोगों को मन नहीं बहलाते हैं,
उनका इतना दिल दिमाग इतना तैयार होता कि जो भी कोई दूसरा बजा रहा है उसको फौरन बजा जाती है। जैसे सुरंगी नवाज है अच्छे, वो तो गाने वाले को बिल्कुल एकदम फॉलो कर लेते हैं बिना किसी तुक वगैरह के। तो अगर हम किसी का सुन के उसका नहीं बजा सकते और सिर्फ अपना ही बजाते हैं तो वो भी बात भी कुछ हद तक सही नहीं। हाँ ठीक है, बजा दिया, चार लोग बैठे हुए हैं, कोई आपके प्रेमी हैं, कोई आपसे मतलब है, जिनका लगाव है, वो तो कहेंगे तालियां बजा देंगे, आपको खुश कर देंगे। हाँ जी, अब सही प्रैक्टिकल में ये होता है कि जो सुनो सो बजाओ, जो बजाया है सो पता होना चाहिए आपने कहाँ कहाँ से कैसे बजाया। तो ये एक चीज़ घरानों में बड़ी अच्छी मिलती है, उनके पिता बजा रहे हैं और पुत्र उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको बजा रहे हैं। ऐसे ही छोटी उम्र से शुरू हो जाता है, 5 साल 7 साल की उम्र में, वो 9-10 साल उम्र की उम्र में स्टेज पर बजाने के काबिल हो जाते हैं, यानी कि उनको लोग सुनने लगते हैं, तो उनका विश्वास ही बड़ा बढ़ जाता है। कोई नहीं कह सकता हाँ जी ये गलती है। हाँ स्कूलों कॉलेजों में तो ये अजीब ही बात है। अब स्कूलों कॉलेजों में ये है चक्कर कि वहाँ पर तो रटा हुआ होता है सब। अच्छा जी चार राग हैं, गद पलटा अलाप और तान, ये सब घोटा मार लिया, रट लिया और एग्जाम दे दिया। फिर अगली क्लास में पहुंची, वहाँ भी यही हाल है कि रट लिया, घोटा मार लिया और फिर कर लिया। ऐसे ऐसे एमए तक जो मास्टर ऑफ म्यूजिक है उसमें क्या होता है कि वही रटा रटाया है। अब वो जब कहीं सिखाता है कॉलेज में स्कूलों में, उसकी भगवान की कृपा से या उसके कर्म से उसकी लग जाती है नौकरी वगैरह, तो उसको तो भाई ये होता है कि वही जो किताब उन्होंने सीखी हुई है वही रटन शुरू हो जाती है वहाँ पर। तो ऐसे रटन का ही काम है, रटो और करो। हाँ मास्टरी जो है क्रिएशन वर्क है वो तो घराने वालों के पास है, या कोई भूला भटका अगर किसी उस्ताद के पास चला गया और उस्ताद ने उस पर कृपा कर दी, दया दृष्टि कर दी, मेहर कर दी, तो उसके तो पौबारा है। हाँ फिर उसको उस्ताद का नाम मिले या ना मिले वो दूसरी बात है। ऐसे लोग तो गुमनामियों की श्रेणी में आ जाते हैं। हाँ उसमें भी उस्ताद का कोई कसूर नहीं होता, वो भी कहीं मजबूरी में होते हैं, खैर जो सीख लिया। अब ऐसे लोग हैं या तो छोटा मोटा विद्यालय खोल लें या फिर सिखाना शुरू कर दें, ठीक है आएंगे लोग सीखेंगे, लेकिन एक बात है उनके पास वो साधन नहीं होता ताकि वो स्टूडेंट को या अपने शागिर्दों को एक प्रमाण पत्र दे दें भाई हाँ जी इसने मेरे साथ सीखा है, इसकी परीक्षा कर लो भाई, इसको स्टेज पर भिजवा लो जैसे जैसे भी। और ऐसी भी संस्था नहीं है वो उनको प्रमाण पत्र दें भाई हाँ ये बड़ा अच्छा बजाता है, ये इसके पास पूरी तालीम है और इसने सीखा है, चलो इसको इसका रास्ता खोल दिया जाए। अब श्रेय जाता है बड़े बड़े कॉलेजों की तरफ, यूनिवर्सिटियों की तरफ। आजकल तो है भाई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो तो चाहे कलाकार सालों मेहनत करता रहे, अच्छा बजाता रहे, जो भी करता रहे, उसका हिसाब तब जो है वो ऐसे ही है। खैर तो ऐसे तो ज़िंदगी चलती रहती है कि तूफान है आता है, इंसान बचने की कोशिश करता है, कहीं तो बच जाते हैं कहीं तो उसमें बह जाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा हो काम, ऐसा तरीका हो जिसमें से आप खुद के मतलब है बजा भी सको, शास्त्र का ज्ञान भी हो और दोनों एक तरफ से अच्छे होने चाहिए। हाँ फिर ये भी शर्त है कि कलाकार पढ़ा लिखा भी हो, उसके पास पढ़ाई की डिग्री भी हो, यानी कि
चारों तरफ उलझा के रख दिया, उलझ गया मसला कि कितना कितना। अब घरानेदार तो है भाई, उनके बच्चे हैं भाई, जन्म से ही लग जाते हैं रियाज करने के लिए 6-6, 8-8 घंटे, और खैर घंटों समय की बात नहीं, अगर तरीके से किया जाए तो 2-1.5 घंटा भी बड़ा होता है छोटे बच्चे के लिए, और करते 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 उन पर बिल्कुल कमांड हो जाती है। अब बहुत से कलाकार ऐसे हैं, आप भी घराने के हिसाब चल रहे हैं, घराने में शिगिर्द हैं, घराने में उनके वंशज हैं, तो लेकिन जो कलाकार आम पब्लिक में से उठ रहे हैं वो थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, ना तो उनके पास पूरा सही ढंग का प्रैक्टिकल है, ना तो सही ढंग का उनके पास शास्त्र है, सिर्फ गड़ गड़मड़ ही काम है कि ना तो अच्छे वो श्रोता गण हैं भाई, कैसे सुना जाए किसी को, उसमें क्या बारीकी हैं कलाकार में, उसको वाह वाह कैसे दी जाए। हाँ घराने में सीखे हुए लोग तो पहचान सकते हैं भाई फलाना घराना है, पुराने में ये तकनीक है, स्वर में बजा रहा है, रागदारी सही है, इसमें वगैरह वगैरह अपने तरीके से मतलब होता है। अब ठीक है, अब मेरे कहने से तो नहीं हो सकता, ये है माहौल ही है ये ऐसा, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो जितने भी टीवी चैनल हैं, रेडियो चैनल हैं, क्या रेडियो का तो आजकल प्रचार बड़ा कम है, तो टीवी में भी कभी कहीं मतलब है कि डीडी भारती में तो मतलब आता है, वहाँ पर सुबह प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन भी बहुत कम है। आम चैनलों में भी एक ना एक जो मतलब है कि प्रोग्राम होना चाहिए जो कलाकारों को बताया जाए, उनको भी लाया जाए, जो कार्यों से सीखे हुए लोग हैं, चाहे उनके पास डिग्री नहीं है, घराने भी नहीं है, उनमें से कई लोग अच्छे भी हैं, उनको लाया जाए, रखा जाए, कोई बात नहीं, टूटा फूटा बजाय से 1-5-10 मिनट का प्रोग्राम तो बारी बारी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो भारतीय संगीत का प्रचार है वो अच्छे ढंग से हो, ये अपनी एक इच्छा है। तो खैर वो तो ऊपर वाला ही जाने, उसने क्या रंग दिखाने हैं, क्या रंग किया, कोई वक्त था राजा महाराजा का, बड़ा सम्मान था कलाकारों का, धीरे धीरे अंग्रेजों का भी समय आ गया, फिर आगे हम आज़ाद भी हुए और हम पर पाश्चात्य संगीत का भी प्रभाव है, और लोगों की आदतें भी वैसे बन गई, यानी कि उनको पाश्चात्य संगीत के अलावा कोई सुनना पसंद ही नहीं आता। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में जो अच्छे अच्छे कलाकार थे क्लासिकल के, यानी कि जो मतलब है उसमें संगीत देते थे, बैजू बावरा हुआ, या मतलब है कि तानसेन फिल्म थी, उसमें भी पुरानी फिल्मों में एक क्लासिकल को बढ़ावा। अब धीरे धीरे लोगों ने देखा यार इसमें से कमाई है नहीं, चलो दूसरी फिल्म में बनाया जिसमें वेस्टर्न म्यूजिक का भी थोड़ा सा समावेश हो। खैर कोई नहीं, जो भगवान सब की भली करी, दिवाली आपको सबको मुबारक, शुभ दीपावली, जय हिंद जय भारत।